जालौन गंगा के जलोढ़ मैदानों पर 4549 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला जालौन जिला उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक शहरों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिले का नाम ऋषि जलवान के नाम पर रखा गया है, जो यहां प्राचीन काल में रहा करते थे। इस क्षेत्र का सबसे पुराना शासक यताती था। पुराण व महाभारत में महान विजेता के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। इस जिले के इतिहास बुंदेलखंड के इतिहास से मिलती है। आज भी यह शहर कई सारे राजाओं के उत्थान व पतन की गवाही देता है। इस क्षेत्र पर हर्षवर्धन द्वारा शासन किया गया है, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध चीन यात्री हिंसांग ने अपनी यात्रा वृत्ति में किए। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के आदेश पर नाना साहेब व तात्या टोपे ने अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया था। ये घटनाएं मुख्य रूप से कालपी, उरई और जालौन में ही घटी थी। दोस्तों, जालौन जिला के मुख्य नदी का नाम यमुना नदी व बेतवा नदी है। यमुना व बेतवा नदी के किनारे पर बसा जालौन जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 290 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 467 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 4544 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला जालौन जिला की कुल आबादी 16,89,000 है। इस 16,89,000 में 9,06,000 पुरुष तथा 7,83,000 महिलाएं मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से जालौन जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। जालौन जिला का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम उरई रेलवे स्टेशन है। उरई रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड ORAI है और उरई रेलवे स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म तथा 5 ट्रैक मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन कानपुर झांसी लाइन पर स्थित है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के झांसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। उरई रेलवे स्टेशन के माध्यम से पुणे लखनऊ एक्सप्रेस, गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस जैसी कई तमाम ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से होकर गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर दो, सड़क मार्ग। जालौन जिला सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 25 गुजरती है, जो कि झांसी वो कानपुर को जोड़ती है। इसके अलावा जालौन जिला का जालौन बस स्टैंड, उरई बस स्टैंड, जालौन रोडवेज बस स्टैंड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर जैसे झांसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा आदि शहरों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर तीन, हवाई मार्ग। वैसे तो जालौन जिला में कोई भी हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जालौन का सबसे निकट में स्थित एयरपोर्ट कानपुर का है, जो कि यहां से 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ग्वालियर का एयरपोर्ट 113 किलोमीटर तथा खुजराहो का एयरपोर्ट 158 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जालौन जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जालौन जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से खास घूमने के स्थान है जो कि जालौन जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर एक, रामपुरा का किला। रामपुरा का किला जालौन का एक ऐतिहासिक स्थल है। यह किला जालौन जिले में रामपुरा गांव में स्थित है। यह किला बहुत ही सुंदर है। इस किले को होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें इस किले के पर्यटकों को नहीं जाने दिया जाता। यहां पर आप चाहे तो रुक सकते हैं और इस किले को देख सकते हैं। इस किले के अंदर बहुत सारे प्राचीन वस्तु देखने को मिल जाएंगी, जो राजा के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इस किले के ऊपर चारों तरफ सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर बीयर क्षेत्र देखने से काफी अच्छा लगता है। आप रामपुरा जाकर इस किले के बाहरी किनारे को देख सकते हैं, क्योंकि किले के अंदर जाने की मनाही है। रामपुरा किला बाहर से चारों तरफ गड्ढे खोदे गए हैं। गड्ढे में पानी भी भरा हुआ है और प्राचीन समय में इन गड्ढों में मगरमच्छ व जहरीले सांप रखे जाते थे, जो कि इस किले के सुरक्षा के लिए की गई थी। आक्रमणकारी इसी किले के बाहरी किनारे से होकर प्रवेश करते थे, जिसकी वजह से इसमें पानी भर दिया जाता था। रामपुरा किला जालौन के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर दो, श्री भैरव जी मंदिर जालौन।
श्री भैरव जी मंदिर जालौन शहर में रामपुरा जागीर में स्थित है। यह मंदिर जालौन का धार्मिक स्थल है। यह मंदिर श्री भैरव बाबा को समर्पित है और यह मंदिर बीहड़ इलाके में स्थित है। इस मंदिर के थोड़ा दूरी पर ही पहुंच नदी बहती है। इस मंदिर के गर्भगृह में भैरव जी का बहुत ही सुंदर प्रतिमा दर्शन करने के लिए रखी गई है। यहाँ पर शिव भगवान के भी दर्शन करने को मिलते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप आकर बहुत सारे प्राचीन मूर्तियों को भी देख सकते हैं। श्री भैरव जी मंदिर जालौन जिला के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 3, राधा कृष्ण मंदिर जालौन। श्री राधा कृष्ण मंदिर जालौन शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर जालौन जिले के उरई में स्थित है। यह मंदिर उरई में गल्ला मंडी के पास स्थित है और यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर में एक बगीचा बना है जिसमें बहुत ही रंग बिरंग के फूले लगाई गई हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो इस मंदिर के बगीचे में घूमना पसंद करता है। दोस्तों, श्री राधा कृष्ण मंदिर जालौन जिले के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 5, बेरी वाले बाबा की मजार शरीफ जालौन। बेरी वाले बाबा का मजार शरीफ जालौन शहर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मुस्लिम धार्मिक स्थान है और यह मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे इस मजार में सभी धर्म के लोग आते हैं, पर यह मजार जालौन के आसपास के जिलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती है। बेरी वाले बाबा की मजार शरीफ जालौन शहर के उरई में स्थित है। उरई रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत ही करीब में पड़ता है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको उरई रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। नंबर 6, 84 गुंबद। 84 गुंबद एक दीवार पाले आंगन के चौकोर 9 गुंबद वाली संरचना है, जिसके केंद्रीय गुंबद के नीचे दो कब्र है। 15वीं या 16वीं शताब्दी के शुरुआत में इस गुंबद का निर्माण का अनुमान लगाया गया है। इस वास्तुकला को लोदी सुल्तान में से किसी एक सुल्तान का मकबरा माना जाता है। इसमें 84 मेहराबे मौजूद है, जिसका डिजाइन शतरंज के स्क्वायर रिक्त स्थान के विभाजित किया गया है। इस इमारत में 60 फीट ऊंची गुंबद है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। दोस्तों, इसके अलावा जालौन जिला में और भी कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों, जालौन जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें कानपुर देहात जिला, औरैया जिला, हमीरपुर जिला और झांसी जिला। अगर शिक्षा की बात करें तो जालौन जिला की शिक्षा व्यवस्था उतना तो अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में जालौन जिला भी शामिल है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम लक्ष्मी चरण हम्बल महाविद्यालय, कैलाशी देवी श्रवण कुमारी महाविद्यालय, सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय, श्री गंगाराम वंशीधर महाविद्यालय, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, ये सभी महाविद्यालय इसी जालौन जिला में मौजूद हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जालौन जिला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।